हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीषा कठेरिया इन फ्रंट ऑफ यू। गाइस, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हमारा जो सिलेबस था 10th 12th क्लास का वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग क्लासेस, ठीक है। तो देखिए, रीजनिंग क्लासेस जो रीजनिंग जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रोल प्ले करती है हमारे हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप कोई भी स्टूडेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो रीजनिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन दैट कॉम्पिटिशन एग्जाम, ठीक है। सो देखिए, रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, विद इन वन मंथ में भी कंप्लीट जाती है। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, जितनी मोर प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उतनी ज़्यादा रीजनिंग हमारी अच्छी हो जाती है। मोस्टली बच्चे रीजनिंग को टफ समझते हैं, बट इट्स नॉट बी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम रीजनिंग के बारे में कुछ बताएंगे कि होता क्या है। सबसे पहले रीजनिंग का बेसिक बताऊंगी, कितने प्रकार की रीजनिंग होती है। देखिए, रीजनिंग हमारी जो होती है तीन पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। वर्बल रीजनिंग, कौन सी? वर्बल रीजनिंग। सेकेंड होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। एंड हमारी जो थर्ड होती है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, वो होती है लॉजिकल रीजनिंग। यानी कि रीजनिंग जो है वो तीन पार्ट्स में कैटेगराइज है, वर्बल रीजनिंग, सेकंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड थर्ड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखिए, आज हम सिखाएंगे वर्बल रीजनिंग के बारे में सीखेंगे, कैलेंडर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। किसके बारे में सीखेंगे? कैलेंडर। हमारे कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हम हर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, टॉपिक बाई टॉपिक जो है एक कंप्लीट करेंगे डेली, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है बहुत आराम से और हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल बेसिक बताऊंगी मैं। तो आज देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कैलेंडर के बारे में। किसके बारे में? कैलेंडर के बारे में। देखिए, हमारे पास दो प्रकार के ईयर्स होते हैं, लीप ईयर, ठीक है। सेकेंड होते हैं नॉर्मल ईयर। कौन से होते हैं? नॉर्मल ईयर। अब देखिए, नॉर्मल ईयर में हमारे डेज होते हैं 365 डेज, ठीक है। यानी कि नॉर्मल ईयर में जो डेज होते हैं हमारे 365 डेज होते हैं। फेब्रवरी जो होती है वो 28 फेब की होती है, यानी कि फेब्रवरी होगी 28 डेज की, जिसमें हमारे जो वीक्स होते हैं 52 वीक्स हो जाएंगे, 52 वीक्स प्लस वन ऑड डे होता है, वन ऑड डे, ठीक है। 365 डेज टोटल डेज इन अ ईयर, यानी कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, 28 फरवरी होती है और 52 वीक्स प्लस वन ऑड डे होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ लीप ईयर में क्या हो जाएगा? 366 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज हो जाएंगे, 29 फेब होता है, कितना होगा? 29 फेब और 52 वीक्स हो जाएंगे, प्लस हमारे टू ऑड डेज होते हैं, कितने डेज हो जाएंगे? टू ऑड डेज। ये वाली बात समझ में आ गई, लीप ईयर समझ में आ गया और नॉर्मल ईयर समझ में आ गया, क्या होता है ये तो बेसिक चीज़ थी, ठीक है। अब देखिए, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो दिया हुआ ईयर है, गिवन ईयर है, वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो एक कंसेप्ट होता है डिवाइड करने पर, ऑन डिवाइडिंग, ये होता है ऑन डिवाइडिंग। अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ऑन डिवाइडिंग अगर रिमाइंडर इज, ठीक है, अगर रिमाइंडर एग्जिस्ट, अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो समझो ये हमारा जो ईयर होगा नॉर्मल ईयर होगा और नॉट कम्प्लीटली डिवाइड, यानी कि ये भी कह सकते हैं कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, नॉट कम्प्लीटली डिवाइड, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, तो वो ईयर हमारा कहलाता है नॉर्मल ईयर, ठीक है। बट इन केस ऑफ लीप ईयर में क्या होता है? रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, जीरो होगा। और ये भी कह सकते हैं कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आई। अब हम इसके एग्जांपल लेंगे। देखिए, कंडीशन पता लग गई ना, ये वाली बात, लीप ईयर कौन से होते हैं? 366 डेज होंगे, 29 की फैब होती है एंड 52 वीक्स होंगे, टू और डेज होंगे, रिमाइंडर जीरो बचेगा और ये भी कह सकते हैं कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है? 365 डेज होते हैं, 28 फरवरी होती है, 52 वीक्स होते हैं, एक ऑड डे होता है और इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा या फिर ये कह सकते हैं कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता लगे। हाँ, वन थिंग इज ऑल्सो दिया, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होगा फोर से डिवाइड करने पे, ऑन डिवाइडिंग बाय फोर। जब हम फोर से डिवाइड करेंगे, यानी कि फोर से, ऑन डिवाइडिंग बाय फोर, फोर से डिवाइड करेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना, फोर से डिवाइड करने पर लीप ईयर में रिमाइंडर जीरो बचेगा, जबकि नॉर्मल ईयर में फोर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं, मतलब रिमाइंडर बचता है और कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, फोर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये फोर से ध्यान रखना, फोर का कंसेप्ट जो है मैंने नहीं बताया था, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, आप करके देखेंगे इसको। 2015 कैसा डे है, ठीक है, 2015 जो ईयर है वो कैसा ईयर था? क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर 2015 कैसा ईयर था, बताइए लीप ईयर है या हमारा नॉर्मल ईयर है? 2015 कैसा ईयर है, देखेंगे कैसे। फोर से डिवाइड करिए इसको, कितना हो जाएगा? फोर फाइव जा 20,
और हमारा बच गया 5, ले लिया ठीक है 5, 4, 3 जा 12। देखिए कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 3। कितना रिमाइंडर बचा? 3, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो कौन सा ईयर है ये? नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर, यानी कि 2015 जो है नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं था ठीक है। अब देखेंगे 2016 क्या है, 2016 देखिएगा किससे करना था, 4 से करना है, 4, 5 जा 20 और हमारा कितना हो जाएगा 0, 16, 4, 4 जा 16, रिमाइंडर बच रहा है 0। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0, मीन्स ये है लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर। तो देखिए लीप ईयर होगा तो 2016 में जो फरवरी होगी वो 29 फेब की होगी और 366 डेज होंगे और 52 वीक्स होंगे प्लस 2 और डेज होंगे, लीप ईयर की ये होता है। समझ में आ गया? वंस अगेन आई एम टेलिंग, लीप ईयर को कैसे पता लगाएंगे? 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो दैट ईयर विल बी लीप ईयर एंड कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा 4 से डिवाइड करने पर, या फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा ठीक है, तो वो ईयर जो होगा नॉर्मल ईयर होगा। तो आज हमने सीखा कैलेंडर, कैलेंडर में चीजें सीखी कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा, यानी कि हमने लीप ईयर और नॉर्मल ईयर निकालना सीखा है ठीक है। तो आई होप भी समझ में आया होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें बताएंगे जो एक सेकंड में आप लोग बिट ट्रिक के साथ में कर सकते हैं ठीक है। कोडिंग सिस्टम है, विद द हेल्प ऑफ कोड आप पता लगा सकते हैं कि 2015 में 5 मई को कौन सा दिन था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कल कराऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही था ठीक है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है जस्ट आस्क टू मी, और क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा। और दूसरी बार डेली क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि हम टॉपिक बाई टॉपिक एक एक सब्जेक्ट लेंगे है ना, एक एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मीन्स एक एक टॉपिक लेंगे, और जैसे आज कैलेंडर के बारे में सीखा, कल हम कौन सा दिन कौन सा होगा, इस तरीके से हम डेली रीजनिंग क्लास कंप्लीट करेंगे ठीक है। तो ये जो आज मैंने सिखाया आई होप समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू क्लास ठीक है, कल मिलेंगे न्यू चीज के साथ में, ओके।